Hello and welcome to word list 33. In this word list there are 10 words and today we are going to learn about these 10 words. These words are adamant, attribute, compliant, derivative, esoteric, impecunious, lucid, pernicious, repudiate, unctuous. The first word is adamant, means impervious, immovable, unyielding. वो इंसान जो किसी की बात ना सुने या यू कैन ऑल्सो हम इसको आम जुबान में जो है वो ढीठ भी कहते हैं. दो शी कंप्लेन टू हिम सेवरल टाइम्स टू लेट हर एक्सप्लेन स्टिल ही वॉज एडमेंट एंड डिडंट लिसन टू हर. मीन्स कि वो जो है वो अपने उस पर डटा हुआ था और वो उसकी बात नहीं सुन रहा था. ऑल्दो शी उसने बहुत दफ़ा उस लड़की ने उसको बोला कि तो वो उसकी एटलीस्ट बात सुन ले. पिक्चर में भी हम देख सकते हैं कि एक आदमी है एंड शी ही इज़ लाइक उसके अपने उसने कानों पे हाथ रखे हुए हैं. मीन्स कि वो अगले की सुन ही नहीं रहा. द नेक्स्ट वर्ड इज़ एट्रीब्यूट, मीन्स टू क्रेडिट और असाइन. आप जो है वो किसी को अपनी यू कैन से कि क्रेडिट कर दें कि ये जो है ये बंदा जो है इसको सारा क्रेडिट जाता है. ही एट्रीब्यूट्स ऑल ऑफ हिज सक्सेस टू हिज मदर्स अनडाइंग इनकरेजमेंट. उसने जो है वो अपनी जितनी भी उसकी सक्सेस थी उसको अपनी माँ के उस पर कर दी कि उसकी माँ उसको इनकरेज करती रहती थी तो उसने अपना उसको असाइन कर दिया अपनी माँ को. एक और भी इसका मीनिंग है अ फेसेट और अ ट्रेट, कोई क्वालिटी स्पेसिफिक. अमंग द बीटल्स मोस्ट पेक्यूलर एट्रीब्यूट्स इज इट्स थॉर्नी प्रोट्रूडिंग आइज. बीटल्स का जो है वो एक यू कैन से कि एक उनकी यूनिक जो क्वालिटी होती है उनका फेशियल जो ट्रेट्स होते हैं उसमें ये होता है कि उनकी जो है वो आइज बहुत ज़्यादा बाहर की तरफ निकली होती हैं और प्रोमिनेंट बड़ी भी होती हैं. तो इस पिक्चर में भी हम देख सकते हैं कि एक बीटल है और उसकी जो है वो बहुत प्रोमिनेंट और ह्यूज आइज हैं. नेक्स्ट वर्ड इज़ कम्प्लायंट, मीन्स रेडी टू अडेप्ट वन सेल्फ टू अनदर्स विशेज. आप अपने आप को किसी और की विशेज के मुताबिक जो है वो ढाल लें. ऑल्दो इट वॉज हिज मिस्टेक दैट ही वॉज रैशली ड्राइविंग ही वॉज इन कम्प्लायंट विद द पुलिस. ऑल्दो ये उसकी मिस्टेक थी कि वो जो है वो तेज़ ड्राइव कर रहा था लेकिन वो पुलिस की बात ही नहीं सुन रहा था और वो अपने आप को एक अच्छा ड्राइवर बनाने की कोशिश नहीं कर रहा था. इस पिक्चर में हम देख सकते हैं कि एक आदमी है और वो जो है वो ट्रैफिक पुलिस से जो है वो बहस कर रहा है. नेक्स्ट वर्ड इज़ डेरिवेटिव, टेकन डायरेक्टली फ्रॉम अ सोर्स अनओरिजिनल. कोई भी चीज़ जो है वो आप किसी सोर्स से लें वो ओरिजिनल ना हो, लाइक आपने वो कहीं से ली हो. टोफू इज़ वन ऑफ मैनी सोयाबीन डेरिवेटिव्स. टोफू जो है वो सोयाबीन से बनता है, मतलब सोयाबीन से डेरिवेट हम उसको निकालते हैं सोयाबीन से टोफू को. इस पिक्चर में भी हम देख सकते हैं कि टोफू बने हुए हैं और लाइक जो है ये सोयाबीन का डेरिवेटिव है. नेक्स्ट वर्ड इज़ इसटेरिक, अंडरस्टूड बाई ओनली अ सेलेक्टेड फ्यू. कोई चीज़ जो है वो सिर्फ कुछ लोग समझ सकें तो ये उसकी जो है वो क्वालिटी होती है. इवन द मोस्ट एडवांस स्टूडेंट्स कैन नॉट अंडरस्टैंड द फिजिक्स इसटेरिक फार्मूलाज. बहुत जो एडवांस स्टूडेंट्स होते हैं वो भी फिजिक्स के फार्मूलाज, मुश्किल ऐसे फार्मूलाज जो कि सिर्फ कुछ लोग समझ सकते हैं, वो भी उनको नहीं समझ सकते. तो इस पिक्चर में भी हम देख सकते हैं कि बहुत सारे फिजिक्स के फार्मूलाज हैं एंड वो बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं. इम्पिक्यूनियस means poor, गरीब. I first knew him as an impecunious student living in a tiny apartment. मैंने जब उसको मतलब पहली दफ़ा जब मैं उसे मिली तो मैं उसको इस तरह जानती हूँ कि मैं वो जो है वो एक बहुत ही poor या गरीब student था और वो एक छोटे से apartment में रहता था. इस picture में हम देख सकते हैं कि एक बच्चा है और वो जो है उस जिस जगह पर वो बैठा हुआ है उस वो अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी, तो इसका ये मतलब है कि डेफिनेटली वो poor ही है. नेक्स्ट वर्ड इज़ लिप्सिन, मीन्स क्लियर, ईजिली अंडरस्टैंडेबल. कोई चीज़ जो क्लियर हो, टू द पॉइंट हो, हम ईजिली उसको समझ सकें. हिज नोट्स वर ल्यूसिड, स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड वेल रीडिंग. उसके जो नोट्स थे वो बहुत ही क्लियर थे और हम ईजिली उसको अंडरस्टैंड कर सकते थे, पढ़ भी सकते थे. पिक्चर में भी हम देख सकते हैं टू डू लिस्ट बना रहे हैं ये वो, और वो जो है वो बहुत ही क्लियर और टू द पॉइंट है. नेक्स्ट वर्ड इज़ परनीशियस, मीन्स एक्सट्रीमली डिस्ट्रक्टिव और हार्मफुल. कोई ऐसी चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो. शी थिंक्स प्लेइंग गेम्स ऑनलाइन हैज़ अ परनीशियस इन्फ्लुएंस ऑन हर चिल्ड्रन. वो ये सोचती है कि अगर ऑनलाइन प्ले गेम्स करेंगे हम तो उसका जो है वो बहुत ही नुकसानदेह होता है बच्चों के लिए. देन द नेक्स्ट वर्ड इज़ रिप्यूडिएट, मीन्स टू रिजेक्ट और रिफ्यूज टू एक्सेप्ट. किसी को रिजेक्ट कर देना, मना कर देना. क्वेम मेड अ प्रपोजल टू हर बट शी रिप्यूडिएटेड हिम. क्वेम ने जो है वो उसको अपना प्रपोजल दिया लेकिन उसने जो है वो उसको रिजेक्ट कर दिया. पिक्चर में भी हम देख सकते हैं कि एक आदमी है और वो प्रपोज कर रहा है लड़की को और लड़की जो है वो आगे से रिजेक्ट कर रही है. देन द लास्ट वर्ड इज़ अंक्चुअस, मीन्स स्मूथ और ग्रीजी इन टेक्स्चर, अपीयरेंस और मैनर. कोई भी चीज़ जो है स्मूथ हो, थोड़ी सी ग्रीसी हो, ऑयली हो, उसका टेक्स्चर भी ऐसा हो देखने भी
और लगाने में भी। द रोज बॉडी क्रीम इज अंक्चुअस, एक्स्ट्रा मॉइस्चराइजिंग एंड स्मेल्स लवली। तो इस पिक्चर में हम देख सकते हैं कि एक बॉडी क्रीम है जो लड़की अपने हाथ पे लगा रही है, और वो काफ़ी जो है वो स्मूथ भी है और ग्रीसी ग्रीसी भी उसका जो है वो टेक्स्चर हमें नज़र आ रहा है। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।